नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध प्रशिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रख कर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं, खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। तो मैं आपका पेपर 15165 पे, जो मैम हमारे सामने हैं, मैं आपका पेपर शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है। आप अपने पेपर के बारे में हमारे रिव्यूअर्स को बताएंगे और जो आपके मन में शंका या समाधान होगा आप पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं, ठीक। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी रिव्यू पद्धति का एक नया रूप हमने प्रदान किया है रिव्यू पद्धति को, जिसमें हम ऑनलाइन मीटिंग में अपने जो लेखक हैं, हमारे जो लेखकों से हमको प्राप्त रिसर्च पेपर मिले हुए हैं, हम उसको रिव्यू बोर्ड के सामने यहीं पर जूम की मीटिंग में आपके समक्ष रखते हैं। उद्देश्य केवल इतना होता है कि हम उस पेपर का रिव्यू ऑनलाइन पद्धति से करें ताकि एक ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे और हमारे रिव्यूअर और लेखकों के बीच में एक बहुत ही मित्रतापूर्ण सामंजस्य रहे, ताकि उद्देश्य केवल पेपर छापना ना हो के बल्कि इस देश और इस भूमंडल के समक्ष एक अच्छा सा रिसर्च निकाल के रखना हो। हमारे पास, हमारे साथ फर्स्ट और सेकेंड रिव्यूअर के तौर पर रिव्यूअर्स मैम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं और पेपर नंबर 15165 को हम आपके समक्ष शेयर करने जा रहे हैं। आप देखिए, पेपर नंबर 15165 हमारे सामने है जी। मैं आपका पेपर आपके सामने है, कृपया आप अपने पेपर को हमारे रिव्यूअर्स को बताएं, डिस्क्राइब करें जी। जी सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज उषा कंडारे। मैम आई एम वेरी सॉरी आई इंटरप्ट यू, आप अपना कोई भी पर्सनल डिटेल्स यहां पर ना रखें, ना ही कोई पूछे, ना कोई अपना डिटेल रखे। ओके सर, थैंक यू। Topic is for this paper a comparative study of academic achievement of the students of different boards belonging to single and dual parent families. जैसा कि सर ने बताया कि मुझे पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो मैं कुछ मेन मेन बातें आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि क्या क्या बातें मैंने इंट्रोडक्शन में, एब्स्ट्रैक्ट में, सब चीजों में रखी हुई है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर इसके निचोड़ की या एब्स्ट्रैक्ट की। तो बेसिकली ये जो मेरा पेपर है, ये मेरा पीएचडी का ही एक, पीएचडी से ही जो मेरे वर्क रहा है उसी से रिलेटेड ये मेरा पेपर है। इसमें बेसिकली मैंने ये कोशिश बताने की करी है या इसको एक रिजल्ट तक लाने की कोशिश मैंने करी है कि जो सिंगल और डुअल पेरेंट फैमिलीज के बच्चे होते हैं उनके एकेडमिक अचीवमेंट में क्या कोई डिफरेंस आता है। जैसे कि हमारी सोसाइटी है वो सिंगल पेरेंट फैमिली या सिंगल पेरेंट फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं उनको एक्सेप्ट करना या उनके प्रति एक अलग ही धारणा लेके चल रहे होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस पेपर को, इस पे काम करने की कोशिश करी। अपने इस पेपर में मैंने टोटल 300 जो बच्चे एज ए सैंपल लिए, 14 से लेकर 17 साल तक की है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के ये बच्चे हैं।
और इन पर मैंने काम किया और इस पर ये जानने की कोशिश करी कि बेसिकली एकेडमिक अचीवमेंट तो है लेकिन मेरी रिसर्च में जो रिसर्च टॉपिक है उससे ही रिलेटेड ये है, उसमें एकेडमिक अचीवमेंट एक वेरिएबल है और उसमें यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड इन बोर्ड के बच्चों में जो कि सिंगल डिपेंडेंट फैमिलीज को क्या उनमें डिफरेंस है इसको जानने के लिए मैंने इसमें प्रयास किया है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इसका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, क्यों जरूरत है नीड ऑफ स्टडी की अगर बात करें हम क्यों आवश्यकता है, बेसिकली इससे हमें इस पेपर के थ्रू हमें जो सिंगल और डुअल पेरेंट फैमिलीज के बच्चे हैं उनके एकेडमिक अचीवमेंट रिगार्डिंग देयर बोर्ड मतलब सीबीएसई आईसीएसई और यूपी बोर्ड इनमें क्या कोई डिफरेंस आता है, उनकी परवरिश में क्या देखा जाए तो क्या उनके एकेडमिक अचीवमेंट कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। हमने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो कि मैं बता चुकी हूँ और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स बिलोंगिंग टू सिंगल एंड डुअल पेरेंट फैमिलीज। बीबीओ रिलेटेड लिटरेचर की अगर बात करते हैं सर तो यहाँ पर बेसिकली एकेडमिक अचीवमेंट को लेकर के बहुत से रिव्यूज मुझे मिले हैं लेकिन अगर पर्टिकुलरली बोर्ड्स की बात करूँ कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की बात करूँ तो वो मुझे बहुत ज्यादा रिव्यूज उसमें नहीं मिले हैं। लेकिन हाँ सिंगल और डुअल पेरेंट फैमिलीज के बच्चों में एकेडमिक अचीवमेंट में क्या डिफरेंस आता आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम हमको। हेलो एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। थर्ड है टू नो द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम यूपी एंड आईसीएसई बोर्ड। हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स फ्रॉम यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड्स इन रेफरेंस टू देयर एकेडमिक अचीवमेंट। Second, there is no significant difference between the student from CBSE and ICSE board in reference to their academic achievement. But there is no significant difference between the student from UP and ICSE boards in reference to their academic achievement. Variables की बात करूँ, academic achievement and different boards में UP board, CBSE board और ICSE board है। Scope of the study is related to academic achievement of the students of different boards from single and dual parent families. इसकी delimitation की अगर बात करते हैं अपनी study की तो delimitation में basically total 300 student है, 100 CBSE board के, 100 ICSE board के और 100 UP board के जो 14 दिन पूरे साल की है और district से ये मैंने as a sample लिए हैं। इसकी जो अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा डिस्क्रिप्टिव मेथड वाज यूज्ड बाय रिसर्चर और बाय मी। सैंपल एंड सैंपलिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर सर मैंने आईसीएसई बोर्ड के थे और 100 सीबीएसई बोर्ड के थे। इसको मैंने टेक्निक और रैंडम सैंपलिंग टेक्निक का यूज इसमें किया है। इन अगर मैंने यूज किया तो बेसिकली जो बच्चे इसमें रखे उसमें उनको उनके डेटा को कलेक्ट करके मैंने इनके जो जिस भी क्लास में ये थे अब 14 से 17 साल के बच्चे या तो 10th में होंगे या ग्रेजुएशन का उनका फर्स्ट ईयर होगा तो फिर वहां मैंने कलेक्ट किया उनकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसको मैंने एज अ टूल इसमें इस्तेमाल किया। स्टैटिकल एनालिसिस में मैंने मीन एसटीएस एनालिसिस की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो फर्स्ट हाइपोथेसिस हमारी है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द बोर्ड्स यूपी एंड सीबीएसई रेफरेंस टू देयर एकेडमिक अचीवमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर जैसा कि इस आंकड़े यहाँ पर लिखे हैं मैंने यूपी बोर्ड के बच्चों में और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का जो मीन निकला है और एसडी निकला है बेसिकली इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को इसीलिए यहाँ पर इसमें डिफरेंस नहीं है इसलिए ये और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके एकेडमिक अचीवमेंट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो हमारा ये कहना कि सब ड्यूअल पेरेंट फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं और सिंगल पेरेंट फैमिली के अचीवमेंट में डिफरेंस है हमारे
सोसाइटी में, तो मैं अपनी स्टडी इस स्टडी के थ्रू, इस रिसर्च पेपर के थ्रू ये चीज एक रिजल्ट के तरीके से बताना चाहती हूँ. बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई आईसीएसई स्टूडेंट डिफरेंस टू एकेडमिक सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं जो कि बिलोंग करते हैं सिंगल और डुअल पेरेंट फैमिली को, तो यहाँ पर भी इनके मीन और एसडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं रहा. इसकी जो टी वैल्यू है वो 0.522 जो कि देखने को नहीं मिला है, इसलिए साबित कि जो सिंगल पेरेंट फैमिली के बच्चे होते हैं किसी भी सीबीएसई हो या बोर्ड हो उनमें कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है जिसके आधार पर हम कहें कि बच्चों के लिए केवल डुअल पेरेंट फैमिली का ही एक मात्र अप्रोप्रिएट या पॉजिटिव होता है. फाइंडिंग ऑफ स्टडी में एट लास्ट मैंने अपने डिफरेंस नहीं है, कोई फैक्टर नहीं होता है कि पेरेंट दोनों पेरेंट के साथ होना जरूरी है किसी बच्चे की परवरिश या उसके एकेडमिक अचीवमेंट के फ्यूचर के लिए. आप बहुत से फैक्टर है जो कि बच्चे की एक अच्छी एकेडमिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो पेरेंट इज ओनली फैक्टर फॉर अचीवमेंट ऑफ एनी स्टूडेंट. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर बात करें तो बेसिकली जो ये सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे की परवरिश में ये जरूरी होगा, तो ये स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, पेरेंट के लिए और सोसाइटी के लिए, चार के लिए कहीं ना कहीं ये पर एक मार्गदर्शन करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है. बहुत से फैक्टर होते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है किसी बच्चे की एकेडमिक ग्रोथ या एकेडमिक अचीवमेंट के लिए. लास्ट में मैं इसी तरह से कंक्लूड करता हूँ कि मेरे जो ये रिसर्च पेपर है इसके जो रिजल्ट जो निकल करके आया है वो बेसिकली यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जो कि दोनों फैमिलीज को बिलोंग करते हैं देखने को मिलता है. थैंक यू सो मच सर. आवाज नहीं आ रही सर. आवाज नहीं आ रही सर. आप म्यूट में हैं राजीव सर. आप म्यूट में हैं. ओह सॉरी. आपको हमारी आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ सर अभी आ रही है. अच्छा, बाय चांस जो आथर मैम थी उनका आवाज अच्छे से नहीं मिला था हम लोगों को, लेकिन पूरा पेपर जो है वो सारे पार्टिसिपेंट ने देखा है इस मीटिंग के. तो जो हमारे रिव्यूअर्स पैनल है, रिव्यूअर्स हेलो यस मैं सर मैं मेरे जी टू क्वेश्चंस है. जी आप प्लीज अपने क्वेश्चन कर सकती हैं, मैम सुन रही हैं आपको. तो नमस्ते पेपर प्रेजेंटर. तो मैं जानना चाहती हूँ मैडम के एकेडमिक अचीवमेंट क्या है. एकेडमिक अचीवमेंट बेसिकली ना जो बच्चा इसमें गेन करता है उसको उसी के मैं यहाँ पर कर रही थी. मतलब अपने एकेडमिक्स में उसकी परफॉर्मेंस है उसका उसकी बात. और इसको मैंने जोड़ा बेसिकली बच्चों के साथ कि आप तो बहुत अच्छा पेपर जो एनालिसिस किया या जो है आपका पीएचडी का टॉपिक ही है ना. तो पीएचडी का टॉपिक है मेरा. हां तो पीएचडी का टॉपिक है मेरा. और
उसमें मैडम पूरा आपका उसमें मैडम पूरा आपका इंडियन अभी जो दिखाई दे रहा है ये होना चाहिए ठीक है ना पूरा आप ठीक है ना तो पूरा आप जैसे यूपी बोर्ड आपने डाला है वो अच्छे पार्टिसिपेशन भी किया है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज है अगर कनेक्टेड है हाँ मैम कनेक्टेड है मैम उसी से कनेक्टेड है हाँ तो इसलिए उधर भी आपका क्वेश्चन अच्छा अच्छा ठीक है मैम मतलब ये है कि लिटरेचर रिव्यू जो इंडिया के अलावा भी है मुझे फॉरेन के इसमें ऐड करने चाहिए जो कि मेरी पीएचडी थीसिस को प्लस पेपर को और स्ट्रॉन्ग बनाता है एकदम एकदम ठीक है थैंक यू मैम थैंक यू सो मच